एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च का पूरा रूट प्लान तैयार हो चुका है। किसानों के रूट प्लान को पुलिस ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि ये परेड आउटर रिंग रोड से पहले ही बाहरी दिल्ली के इलाकों से होकर गुजरेगी। कुल 234 किलोमीटर की दूरी ट्रैक्टर के जरिए तय की जाएगी। इस मसले पर आज दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और इन सबके बीच राजपथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। 5 रूट पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च रूट प्लान को पुलिस ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस और किसानों की बैठक खत्म हो गई है। और आपको हम बता दें कि एबीपी न्यूज के पास पूरी जानकारी है। ये जो रूट प्लान है उसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। दरअसल गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि मसला सुलझा लिया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत हो गई है और पहली बार ऐसा होगा देश के इतिहास में जब 26 जनवरी को किसान इस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। आपको पता है गणतंत्र दिवस पर परेड, झांकियां, वो सारी चीजें तो हम देखते रहे हैं अब तक, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान ट्रैक्टर मार्च के जरिए इसी दिन यानी 26 जनवरी को विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये देखिए आपके सामने जो अलग अलग तस्वीरें हैं। 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड के लिए कई शहरों से किसानों का जत्था ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा है। गाजियाबाद के लोनी इलाके से किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर यूपी गेट के लिए रवाना हुए। कुरुक्षेत्र से 5,000 ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। एक साथ इतने ट्रैक्टरों के सड़क पर उतरने से लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको यह भी बता दें हरियाणा के फतेहाबाद से भी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में नासिक से किसानों का एक बड़ा जत्था मुंबई की ओर चल पड़ा है। सिंघू बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में जुटे हैं। लगातार पंजाब से किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। आज भी किसानों का नया जत्था यहां पहुंचा, जिसमें कई लोग बिल्कुल नए ट्रैक्टर के साथ आए थे। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ जहां गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वहीं किसान ट्रैक्टर परेड या ट्रैक्टर रैली निकालने का निर्णय कर चुके हैं और लगातार तैयारियां फील्ड में दिखाई दे रही हैं। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ट्रैक्टर परेड की या फिर ट्रैक्टर रैली की तैयारियां यहां पर पुख्ता दिखाई दे रही हैं। कई सारे ट्रैक्टर्स जो हैं वो फिलहाल सिंघू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। ये जो ट्रैक्टर्स आप देखिए, यहाँ पर जो बैनर है, पोस्टर लगा हुआ है, ये भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी अंबाला से दिल्ली परेड के लिए ट्रैक्टर मोर्चा। तो ट्रैक्टर मोर्चे के लिए सैकड़ों ट्रैक्टर्स सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। ये जो ट्रैक्टर्स है करीबन अंबाला से 20 ट्रैक्टर्स एक गांव से आए हैं, ये बताया गया है, जानकारी दी गई है किसानों द्वारा ही। इस तरह से जो किसान रैली है या फिर किसान ट्रैक्टर परेड जिसे किसान नेता लगातार कह रहे हैं वो विशाल होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि 1,00,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स की संख्या मौजूद रहेगी, सैकड़ों किसान जिसमें मौजूद रहेंगे। और अब देखना ये होगा कि सरकार पर कितना दबाव ट्रैक्टर रैली के जरिए भी पड़ता है। फिलहाल जो रोड मैप है वो किसानों द्वारा पुलिस को दे दिया गया है और किसानों द्वारा जो रोड मैप दिया गया है उसमें कितनी मंजूरी मिलती है दिल्ली पुलिस की, ये जल्द सामने आ जाए। लेकिन पुलिस ने इस बात को साफ कर दिया है कि दिल्ली के बाहरी इलाकों पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने दिया जाएगा, अंदरूनी इलाकों पर और रिंग रोड पर जाने की इजाजत और अनुमति नहीं होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से संवाददाता जैनेन्द्र कुमार भी हैं, पुलिस मुख्यालय से वरुण जैन भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले वरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगा, यह बताइए आखिर किस तरीके से यह रास्ता निकला बीच का? देखिए अखिलेश, बिल्कुल जो रोड मैप है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर मैं मौजूद हूँ। कुछ ही देर में जो स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पूरा का पूरा रोड मैप है वो सामने रखेंगे। हालांकि जो सहमति थी लगभग वो देर रात को ही बन गई थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिनको लेकर दिल्ली पुलिस ने किसानों के आगे शर्त रखी थी कि वो अपना एक तो लिखित परमिशन दे और उसके साथ ही वो इस बात की भी अकाउंटेबिलिटी तय हो कि अगर कल को इस ट्रैक्टर मार्च में रोड मैच
मार्च में किसी तरह की कुछ घटना होती है, वारदात होती है, तो उसमें जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय हो सके। साथ ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है उस रोड मैप को लेकर कि जहां से परेड गुजरनी थी वहां पर किस तरीके से वॉलंटियर्स की तैनाती होगी, इन सब चीजों को लेकर एक फाइनल राउंड की जो बातचीत थी वो दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में सिंधु बॉर्डर पर हुए और अब फाइनल हो चुका है। सूत्रों ने हमारे को जो रोड मैप दिया है उसमें यह बात साफ हो गई है कि दिल्ली पुलिस ने मना किया था कि किसी भी तरीके से जो बाहरी रिंग रोड है उस पर ट्रैक्टर रैली ना निकले और उसको लेकर किसान नेता तैयार भी हुए, और यही वजह है कि सिंधु बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर जो अब किसान बैठे हैं ट्रैक्टर रैली निकालेंगे वो दिल्ली के अंदर दाखिल होंगे, लेकिन बाहरी दिल्ली के जो इलाके हैं वहां से ये ट्रैक्टर रैली निकलकर बाहर की तरफ निकल जाएगी। यानी कि अगर सिंधु बॉर्डर से शुरू होते हैं तो सूत्र बताते हैं कि वो पहले नरेला से बवाना और बवाना से बाहर औचंदी बॉर्डर की तरफ जो ट्रैक्टर रैली है वो निकल जाएगी, और वही अगर आप टिकरी बॉर्डर की बात करें तो टिकरी बॉर्डर से चलने के बाद नांगलोई से नजफगढ़ से झोड़ोदा होते हुए बाहरी दिल्ली की तरफ, यानी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर अब ट्रैक्टर रैली दाखिल होगी। कुछ किलोमीटर दाखिल होने के बाद घूमकर बाहरी दिल्ली के इलाके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू होगी, वरुण मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा जैनेन्द्र का रुख कर लेते हैं दिल्ली के सिंघु बॉर्डर से। जैनेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र, तो कुल मिलाकर कम से कम इस मामले में तो ऐसा लग रहा है कि गतिरोध दूर हो गया। बिल्कुल अखिलेश, गतिरोध दूर हो गया है, लेकिन अब चुनौती है 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड को सफलतापूर्वक संचालित करने की। ये चुनौती पुलिस प्रशासन की भी है के सामने है, और ये चुनौती किसान संगठनों के नेताओं के सामने भी है। अब तक जो टकराव का मुख्य बिंदु था वो ये था, किसान आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड की मांग कर रहे थे, पुलिस कह रही थी कि आप दिल्ली में घुसिए ही मत। बीच का रास्ता निकाला गया है, दिल्ली से होकर ट्रैक्टर परेड निकलेगा, लेकिन आउटर रिंग रोड से बहुत पहले दिल्ली के बाहरी इलाके, बाहरी दिल्ली कहते हैं आउटर नॉर्थ का जो इलाका है, उस रास्ते से होते हुए नरेला, नांगलोई, भवाना, ये जो इलाके हैं इन इलाकों से होता हुआ ट्रैक्टर परेड किसानों का जो है वो केएमपी कुंडली मानेसर पलवल पर जाएगा और फिर वापस टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर आ जाएगा। ये दो वो मोर्चे हैं जहां पर कि पंजाब और हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में है। इसके अलावा NH-24 और चिल्ला बॉर्डर, इन दोनों जगहों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मुख्य तौर पर हैं। उनका जो रूट फाइनल हुआ है वो भी कुछ इसी तरीके से हुआ है कि उन्हें दिल्ली के अंदर ज्यादा स्पेस ना दिया जाए, लेकिन दिल्ली के अंदर परेड करते हुए वो बाहर की तरफ निकल जाएं। तो इसको लेकर के आखिरी दौर की जो बातचीत थी वो हो गई है। उसी जगह पर मैं मौजूद हूं, सिंघू बॉर्डर का पर, जहां पर यह बैठक हुई है पुलिस और किसान संगठनों के बीच, और बाहर निकल करके किसान नेताओं ने कहा है कि पुलिस ने लिखित में परमिशन दे दी है और साथ ही साथ किसान नेताओं से लिखित में यह आश्वासन भी लिया है कि ट्रैक्टर परेड जो है वो डिसिप्लिन तरीके से होगी। लेकिन अखिलेश, आखिरी में मैं जोड़ दूं कि काफी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर जो है ये परेड में शामिल होने वाले हैं, हमारी और आपकी कल्पना से काफी ज्यादा, हजारों की संख्या में, वो लाख तक वो संख्या जो है वो जा सकती है, और कम से कम 24 घंटे से भी ज्यादा लग सकते हैं अगर एक एक ट्रैक्टर को दिल्ली से होकर के गुजारने लगे तो बातचीत तो बन गई है। किसान संगठन और पुलिस जो एक नक्शे पर तैयार हो गए, वो नक्शा जो हमने 2 बजे दर्शकों के सामने रखा था वो हम दिखा भी रहे दर्शकों को, इसी नक्शे पर, इसी रूट पर ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, लेकिन उसको कंडक्ट करवाना, सफलतापूर्वक मार्च हो जाए, परेड हो जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में प्रशासन के सामने होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी किए हैं कि 26 जनवरी के परेड इंतजामों के बाद किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर अलर्ट रहें। इस परेड के बाद किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें अलर्ट रहना होगा। तो ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर, इस मार्च के मद्देनजर आप देखिए किस तरीके के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। बकायदा तमाम बड़े अधिकारियों को लिखित तौर पर यह कहा गया है कि आप अलर्ट रहें, ट्रैक्टर रैली में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसी के मद्देनजर एहतियातन यह कदम उठाया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को यह लिखित निर्देश जारी किया है। आइए सीधे हम आपके लिए चलते हैं, हमारे साथ वरुण जैन हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जुड़ चुके हैं। वरुण, ये सब कुछ एहतियातन किया जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत ना हो। वरुण, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अखिलेश, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। मैं आपसे वही कह रहा था वरुण कि क्या एहतियातन ये सारी ये जो आदेश दिया गया इसलिए दिया गया है कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति ना पैदा हो जाए, इसलिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट रहे, मुस्तैद रहे। जी
देखिए बिल्कुल, ये फाइनल राउंड की मीटिंग ही इसलिए हुई थी क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली को मैनेज करना ये कल्पना से भी परे है। हो सकता है कि इंटेलिजेंस के भी ये इनपुट है कि जो संख्या है ट्रैक्टर की किसानों की वो लाखों में हो सकती है, और दिल्ली के अंदर आएंगे तो जो स्थिति है, एक तो दिल्ली ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसान अंदर आने की कोशिश करे तो दिल्ली कहीं ना कहीं बंधक बन सकती है, और उन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए आखिरी राउंड की जो बातचीत थी किसान और दिल्ली पुलिस के बीच में हुई थी, जो नेताओं हैं उन्होंने लिखित में अंडरटेकिंग दी है कि किस तरीके से उनके वॉलंटियर्स होंगे, किस तरीके से रूट प्लान होगा, किस तरीके से जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो 100% होगा, जिससे कि जो स्थिति है वो खराब ना हो। और उसी के बाद जब ये अंडरटेकिंग दी गई है, रिटर्न में उन्होंने इजाजत मांगी, तब उसके बाद ही लिखित इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। यही वजह है कि कल पूरा रोड मैप तैयार होने के बावजूद भी आखिरी राउंड की पुलिस और किसान नेताओं के बीच में अभी ये बातचीत हुई, और उनके अंडरटेकिंग देने के बाद ही पुलिस ने लिखित में अब ये ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दी है। जी चलिए वरुण, मैं दोबारा आपके पास लौटू, उससे पहले दर्शकों को बता दें कि सिंघू बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में किसान संसद का आयोजन किया गया था। इसमें जैसे ही कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू पहुंचे, उनका विरोध शुरू हो गया, भीड़ ने उनकी गाड़ी पर लाठियां भी चलाई हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है किस तरीके से कांग्रेस के सांसद का जबरदस्त विरोध हुआ। रवनीत बिट्टू किसान संसद में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन उनकी गाड़ियों पर आप देखिए वहां पर मौजूद लोगों ने लाठियां तक चला दी। ये देखिए शीशा चटक गया। मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ जैनेन्द्र जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। जैनेन्द्र, वहां पर मौजूद किसान इस मसले पर आप क्या कह रहे हैं, आपकी बात हुई होगी वहां कुछ लोगों से? जी अखिलेश, मैं आपको बताऊं, योगेंद्र यादव से मैंने बातचीत की है जो पुलिस के साथ बैठक में शामिल थे, बाहर आकर के उन्होंने बताया कि लिखित में इजाजत मिल गई है, वो फीड चली गई है, आप चाहे तो पीसीआर से कह के वो चलवा सकते हैं। यहाँ पर किसान नहीं है, यहाँ पर बैठक हो रही थी रिसॉर्ट में, चलवा देते हैं जिसका जिक्र आपने किया योगेंद्र यादव के बारे में जो आप कह रहे हैं, दर्शकों को दिखा देते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे, इजाजत मिल गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं, बताएंगे। सर, जानना चाहूंगा मैं कि पुलिस की तरफ से क्या आप लोगों को परमिशन मिली है और आप लोग किस तरह से ट्रैक्टर परेड आयोजित कर रहे हैं? ये किसान दिल्ली जीतने नहीं आ रहे हैं, आपका दिल जीतने आ रहे हैं। सारे दिल्ली के लोग आएंगे और किसान का दुख दर्द उसके सामने आएगा। 5 जगहों से हमारी परेड शुरू होगी, 5 जगहों से घूम के दिल्ली के अंदर होते हुए वापस हम वहीं पे आएंगे जहां हम हैं। परेड शांतिपूर्वक होगी और गणतंत्र की आन बान शान पे कोई धब्बा तो छोड़िए, मैं तो चाहता हूं गणतंत्र की आन बान शान इस परेड से और ऊंची होगी। तो नक्शा तैयार करके आप लोगों ने पुलिस से लिखित में इजाजत मांगी, और क्या लिखित में इजाजत मिली? जी लिखित में इजाजत मिल गई, फॉर्म सिग्नेचर करने औपचारिकता बाकी है, बिल्कुल हाँ लिखित में इजाजत मिल गई और बहुत बड़ी बात है। क्या पुलिस ने आप लोगों से भी कुछ भरोसा लिया है, कुछ अंडरटेकिंग लिया है, जो आप जो बड़े नेता हैं जो पुलिस से बातचीत में शामिल थे, आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या भरोसा दिया है? स्वाभाविक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि अगर आप कोई भी रैली आयोजित करते हैं आपको कहना होता है कि हम शांति बनाए रखेंगे, हमारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई हथियार नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, वो सब चीज़ हमारे से उन्होंने कहा है और कल रात को ही तमाम नेताओं ने लिख के दिया था, उसी को हम लिख के देंगे। कितनी संख्या रहेगी सर, और नज़ारा क्या रहेगा परेड? जो हम सोचते हैं वो छोटा निकलता है, कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर तो आ रहे हैं, यानी कि अगर उनको एक सीधी लाइन में ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ा कर दें तो यहाँ से मुंबई तक ट्रैक्टरों की लाइन लग जाएगी, इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसीलिए हम एक के बजाय 5 जगह से कर रहे हैं, अलग अलग रूट बना रहे हैं। तो योगेंद्र यादव के मुताबिक जबरदस्त तैयारी है और ये किसान दिल्ली जीतने नहीं बल्कि दिल जीतने आ रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।